शहडोल जिले में नवगठित नगर परिषद बगहो इन दिनों नियुक्तियों को लेकर सुर्खियों में है। परिषद स्तर पर हुई तमाम नियुक्तियों पर जहां सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के पदाधिकारी सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं नगर परिषद सीएमओ ने नगर परिषद में भर्ती को लेकर लगाए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। नवगठित नगर परिषद बगहो में विभिन्न प्रकार की भर्तियों नियुक्तियों के लिए क्षेत्र का वो पढ़ा लिखा एवं योग्य युवा रोजगार के इंतजार में है। ऐसे में होने वाली भर्तियों में जो आरोप लग रहे हैं उस पर सभी की निगाहें हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर लगातार स्पष्ट कर रहे हैं कि परिषद में किसी भी तरह की गड़बड़ियां नहीं की गई है। नगर परिषद सीएमओ जयदीप दीपांकर ने बताया कि नगर परिषद में भर्ती को लेकर लगाए जा रहे आरोप निराधार व गलत है। परिषद में कार्य हेतु आवश्यकता अनुसार जो मस्टर श्रमिक रखे गए हैं उसके लिए प्रस्ताव आदि समस्त प्रक्रिया पूरी की गई है और सभी नियुक्तियां नियमानुरूप किए गए हैं। जो आरोप जो वो है वो मनगढ़ंत है। देखिए, भर्ती के लिए जो विभिन्न मीडिया के माध्यमों से लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं, ऐसी कोई विशेष भर्ती नगर परिषद में नहीं की गई है। हमारे यहाँ अभी दैनिक श्रमिक के रूप में कर्मचारी रखे गए हैं, उसके लिए हम बकायदा प्रस्ताव संकल्प के माध्यम से जितने कर्मचारियों की आवश्यकता समय समय पर होती है संख्या वाइज हम उसकी स्वीकृति प्रस्ताव के माध्यम से करवाते हैं। उसके बाद हम संयुक्त संचालक महोदय से उसकी अनुमोदन कराते हैं, अनुमति लेते हैं, उसके उपरांत ही दैनिक श्रमिक से कर्मचारियों के रूप में काम के लिए श्रमिक लगाए गए हैं। डेली वेज लगभग संख्या 53 के लगभग है। दैनिक वेतन ही कर्मचारी हमारे यहाँ रखे गए हैं, वही जो दैनिक वेतन है। और मैं हूँ इंजीनियर, अकाउंटेंट और 3-4 लोग जो ट्रांसफ़र होके आए हैं।